लालची हो तो। लेकिन दादी माँ ये तुम सबसे लालची हो। बस पकड़ो। आया मेरे पास पहले मैं तुम्हारी जान लूंगी, मार डालूंगी मैं इसे, मार डालूंगी। अब चलो घर और अपने इन प्यारे प्यारे हाथों से दादी का वही पुराना वाला कमरा फिर से तैयार कर देना। एंड डोंट यू वरी, लॉक मैं लगवा दूंगी। आप लोगों से कितनी बार कहा है कि इनकी दिमागी तौर पर हालत ठीक नहीं है और आप लोग है कि मेरी बात मानते ही नहीं। समझने की कोशिश कीजिए, सोचिए कि जब वो बंद कमरे में इतनी वायलेंट हो सकती है तो बाहर पब्लिक के सामने वो क्या नहीं कर सकती। डॉक्टर, ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है। मैंने ही जिद की थी दादी को बाहर ले जाने के लिए। मुझे नहीं पता था कि मेरी छोटी सी गलती इतनी बड़ी परेशानी का सबब बन सकती है। डॉक्टर साहब, आपके कहने के बावजूद हमसे जो गलती हो गई उसके लिए माफी मांगते हैं। आइंदा आप जैसा बोलेंगे वैसा हम सब करेंगे। देखिए, मैं आप लोगों के भले के लिए कह रहा हूं, इन्हें बाहर रखना खतरे से खाली नहीं, सो प्लीज आप लोग इनका ध्यान रखिए। जी डॉक्टर, मैं छोड़ा था। थैंक यू। क्यों अनुपमा रानी, चौंक गई कि विटामिन्स की गोलियों की वजह से दादी को दौरे कैसे पड़ सकते हैं? तो तुम अच्छी तरह से ये समझ लो कि मीरा जो चाहे वो कर सकती है। ऐसा करो अनुपमा डार्लिंग, कि ये विटामिन्स की गोलियां तुम खुद खा लो, ये जो तुम्हारा मुरझाया हुआ चेहरा है ना, खिल जाएगा। थोड़ा ग्लो करने लगेगा। मुझे माफ कर दीजिए दादी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपका ख्याल नहीं रख पाई, उस जहर से नहीं बचा पाई आपको, आपकी तकलीफ और आपकी तड़प को नहीं मिटा सकी मैं। अनूप, तुम क्यों इनके लिए इतना दुखी होती हो? तुम ये मान क्यों नहीं लेती कि शी इज मेंटली इल? दक्ष, पिछले 10-15 दिनों से दादी बिल्कुल ठीक बिहेव कर रही है, सबके साथ हंसती बैठती थी और अचानक पता नहीं क्या हो गया दादी को। दक्ष, हम दादी का इलाज किसी और डॉक्टर से करवाएं, मेरा यकीन है कि दादी ठीक हो जाएगी। प्लीज दक्ष, मुझे लगता है हमें दादी का इलाज किसी और डॉक्टर से करवाना चाहिए। बस एक बार दक्ष, मुझे पूरा यकीन है दादी ठीक हो जाएंगे। देखो अनु, तुम इन्हें इतना चाहती हो इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है कि ये ठीक हो सकती है, जबकि सच्चाई तो यह है कि जिस पागलपन की जिंदगी ये जी रही है वही जिंदगी जीते जीते वो यहां से एक दिन चली जाएगी। ये कभी ठीक नहीं सकती, नेवर। मुझे समझ में नहीं आता ईशान कि दी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। रिलैक्स रिधिमा, छोड़ो भी गुस्सा। लेकिन ईशान, वो ऐसा करती क्यों है? हम
हम कभी उनसे कुछ मांगते तो नहीं है, तो फिर क्यों वो बार बार हमें नीचा दिखाती है? रिद्धिमा, वो ये सब हमें नीचा दिखाने के लिए नहीं करती हैं, बल्कि उन्हें अपने रुतबे की फिक्र है। उनकी बहन का पति हूं तो क्या हुआ, हूं तो उनकी कंपनी का एक मामूली सा एम्प्लॉय ही। रिद्धिमा, घर में वो तुम्हें गले लगा सकती हैं, लेकिन बाहर चार लोगों के बीच अगर वो अपने एम्प्लॉय की बीवी को गले लगाएंगी तो उनकी हाई सोसाइटी में उनकी इज्जत क्या रह जाएगी? रिद्धिमा, मैंने तो इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लिया है। अब अच्छा यही होगा कि तुम भी इस बात को मान लो कि तुम्हारा पति तुम्हारी बहन की कंपनी में एक मामूली सा एम्प्लॉय है और उसकी कीमत हम दोनों को चुकानी पड़ेगी, वो भी सारी जिंदगी। आपको मेरी याद कैसे आ गई? अरे, अपनी छोटी बहन की याद तो हमेशा मेरे साथ रहती है, बस कभी कभी काम इतना बढ़ जाता है कि कॉल करने का वक्त ही नहीं मिलता। हेलो, हेलो दी, क्या हुआ, अचानक चुप क्यों हो गए? हेलो रिद्धिमा, वो मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। हेलो दी, मेरी बात वाकई दी, अब आप बहुत बदल गई हैं। अब अपनी छोटी बहन के लिए आपके पास दो मिनट भी नहीं। नहीं, नहीं खाऊंगी मैं ये दवाई, नहीं खाऊंगी। याद है कल रात तूने क्या गोल खिला? नहीं यार, मैं याद दिलाती हूँ, कल रात तूने अपने प्यारे पोते दक्ष का दिल तोड़ दिया। बेचारा बाहर अपनी खुशियां सेलिब्रेट करने के लिए गया था, लेकिन तेरी वजह से उसे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब आज रात को तुझे अपने जलवे फिर से दिखाने होंगे। घबरा नहीं, मैं वो पीली गोली देने नहीं आई हूं तुझे, मैं आज तुझे ये बस नींद की गोली देने आई हूं, जिसकी वजह से तू सिर्फ 4-5 घंटे आराम से सो जाएगी, क्योंकि शाम को तमाशा दिखाने से पहले कुछ आराम तो जरूरी है ना। हाँ बस मैं चाहती हूँ कि 2-4 बार दक्ष तेरा ये पागलपन देख ले, उसके बाद तू वापस मीरा की कैद में आ जाएगी और फिर चाह कर भी ये तेरी चहेती तेरा कुछ नहीं कर पाएगी। नहीं भाभी, मैं आपको ये दवा दादी को नहीं देने दूंगी, ना अभी ना रात को। नहीं बेटा, तुझे मेरी कसम है, तू कुछ नहीं कहेगी। दक्ष घर पे है, अगर उसने तुझे मेरे लिए इससे लड़ते हुए देख लिया तो फिर वो तुझसे नाराज हो जाएगा। बेटा, बड़ी मुश्किल से तुम दोनों एक दूसरे के करीब आए हो, मैं नहीं चाहती कि अब कोई भी तुम दोनों के बीच आए। मैं भी नहीं। ला दे ये जहर मुझे, अगर मेरे ये जहर खाने से
तुझे शांति मिलती है और मेरे बच्चों को खुशियां, तो मुझे मंजूर है। That's like a good girl. देखा अनुपमा, तुम्हारी दादी कितनी समझदार हो गई है। उन्होंने ये बात अच्छी तरह से समझ ली है कि मीरा के साथ समझौता करने में ही भलाई है। अब तू भी थोड़ी समझदारी दिखा अनुपमा और कुछ सीख अपनी दादी से। और हाँ, एक बात और याद रखना, दोबारा मेरे रास्ते में आने की कोशिश भी की तो उम्र भर पछताओगी, समझी? दादी की मजबूरी को उनकी कमजोरी और समझौता मानकर आप बहुत बड़ी भूल कर रही हैं भाभी। बहुत तूफान उठा लिया आपने दवा की इस छोटी सी गोली के सहारे, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे कुछ भी करके आपके इस दवा के नाटक को बंद करवाना ही होगा। रिद्धिमा, जब से कंपनी की टेक ओवर हुई है, पर्सनल लाइफ की तो बैंड बज गई है। मैं अपनी खूबसूरत सी बीवी के साथ चंद खूबसूरत मोमेंट्स भी नहीं बिता पाता हूं। कहां खो गई मैडम? कहीं नहीं ईशा, घर की कोई जरूरी चीजें खत्म हो गई हैं। अगर आज दोपहर को आप फ्री हो तो मेरे साथ शॉपिंग चलो। रिद्धिमा, I'm sorry, लेकिन मैं आज बहुत बिजी हूँ। यू नो, फॉरेन के कुछ डेलीगेट्स आ रहे हैं, तो उनकी अरेंजमेंट्स, मीटिंग, डिस्कशन, ये सब में। नो प्रॉब्लम, एक इतने एफिशिएंट एम्प्लॉय की समझदार बीवी हूँ मैं, आपको ट्रबल नहीं करूँगी। मैं अकेले जाकर सब कुछ खरीद लूँगी। ओके, यू डोंट वरी। थैंक यू मेरी समझदारी। अब मैं चलूँ? नाश्ता तो खत्म करो। मेरा मन नहीं कर रहा है। अच्छा ठीक है, जूस पी लो। ये तुम पीना मेरी तरफ से प्लीज। मैं ऑफिस में पी लूंगा, कुछ मंगा के। शान, बाय। साक्षी, रिद्धिमा तू? कॉलेज के दिनों बाद आज, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कैसी है तू? आई एम परफेक्टली फाइन, तुम बताओ। मैं तो वैसी हूँ, बस थोड़ा सा वेट गेन कर लिया है। लेकिन तू भी बिल्कुल वैसी है जैसी कॉलेज के दिनों में थी। चल ना, कहीं बैठ के बातें करते हैं। हाँ जरूर, चलो। डोंट टेल मी, बेशरम तुमने चुपके चुपके शादी भी कर ली और मुझे बुलाया तक नहीं। जब मैं तुझसे बात नहीं करती। एक्चुअली वो, अपने एक्सक्यूज देने में टाइम वेस्ट मत कर और मुझे बता अपने पति देव से कब मिला रही है। जैसे ही ईशान अपने ऑफिस के काम से फ्री हो जाएंगे तब मैं जरूर मिलवा दूंगी। आप बेफिक्र रहिए, सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसा कि आप चाहती थी। रिद्धिमा के दिमाग में मैंने उसकी बहन के लिए जो नफरत का बीज बोया था, वो अब ऐसा पेड़ बन चुका है जो हमें फल तो देगा ही, साथ में छांव भी देगा। चले छप। अब एक मिनट। हाँ, मेरे हस्बैंड को यहाँ की चॉकलेट पेस्ट्रीज बहुत पसंद आती है, मैं जरा लेकर आती हूँ। जस्ट अ मिनट। एक्सक्यूज मी, ये चॉकलेट पेस्ट्रीज चार पैक करेंगे प्लीज। थैंक यू। ईशान यहाँ मीरा भाभी के साथ? लेकिन उन्होंने तो कहा था कि फॉरेन डेलीगेट्स के साथ मीटिंग है, दिन भर बिजी रहने वाले हैं। फिर
चलो ना लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। दक्ष आज नहीं, आज मैं बहुत थक गई हूँ, किसी और दिन चले प्लीज। ठीक दक्ष, आज हम बाहर नहीं जा सकते क्योंकि आज रात एक बहुत बड़ी सच्चाई सामने आने वाली है और उस सच्चाई के बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अनु चलो लॉन्ग ड्राइव पर नहीं जाते, सोने चलते, बहुत नींद आ रही है मुझे। अनु दक्ष ये कोई सोने का वक्त है? हेलो ये यूएस नहीं ओके इंडिया है, जरा घड़ी देखो क्या वक्त हो रहा है, अब बताओ क्या सोने का टाइम नहीं है? अनु चलो ना, चलो प्लीज चलो ना। अच्छा दक्ष आप जाइए, मैं 5 मिनट में आती हूँ। अच्छा ठीक है 5 मिनट ओके, तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है, जल्दी आना। ठीक है। ये दवा दादी को नहीं देने दूंगी। कैसे नहीं देने दूंगी? जरूर दूंगी। आज रात को बुढ़िया को फिर से तमाशा जो करना है और उसे मैं नहीं मिस करना चाहती। क्यों? तुम्हें बताया तो था, भूल गई क्या? हाँ अगर भूल गई होती भाभी तो यहां खड़ी आपको रोक नहीं रही होती। आज मैं आपको ये दवा दादी को बिल्कुल नहीं देने दूंगी। दीजिए मुझे। अनु बेटा मत रोक इसे, अगर दक्ष आ गया तो हमारे लिए मुश्किल और बढ़ जाएगी बेटा। नहीं दादी आज मैं भाभी को ये मनमानी नहीं करने दूंगी। मुझे मैं कहती हूँ दवा दीजिए मुझे। दादी बिल्कुल ठीक कह रही है, अगर दक्ष ने तुम्हें मेरे साथ बदतमीजी करते हुए देख लिया ना तो वो दोबारा तुम्हें इस घर से निकाल देगा और इस पर तुम्हारी वापसी नामुमकिन होगी। कोई बात नहीं भाभी, चाहे जो भी हो जाए मैं आपको ये दवा दादी को नहीं देने दूंगी। भाभी मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, दादी को ये दवा मत दीजिए। नहीं बेटा मैं कहती हूँ छोड़ इसका हाथ, छोड़। नहीं दादी आज नहीं, अनुपमा छोड़ इसे। अभी प्लीज ये दवा दादी को मत दीजिए भाभी। अनुपमा मैं कहती हूँ छोड़ दो। प्लीज भाभी मेरी बात मान लीजिए। छोड़ दे उसका हाथ, मेरी बात मान ले बेटा। अनु क्या कर रहे हो तुम? हाँ फिर तुम भाभी के साथ बदतमीजी कर रही हो। ये बदतमीजी नहीं है दक्ष, मैं वही कर रही हूँ जो सच्चाई को सामने लाने के लिए मुझे करना चाहिए और आज मैं सच्चाई आपके सामने ला कर रहूंगी। देखो ना दक्ष, अनुपमा को पता नहीं क्या हो गया है, उसे हमेशा ये लगता है कि दादी को हम जहर दे रहे हैं, जबकि ये दवा दादी को जिंदा रखने के लिए बहुत जरूरी है। अनुपमा बेटा अब हम तुम्हें कैसे यकीन दिलाएं? हम दादी को नुकसान पहुंचाने के सपने में भी नहीं सोच सकते। अनु फॉर गॉड्स सेक तुम कब समझोगी अपने और पराए का फर्क? आज इस दवा की सच्चाई आप देख भी सकेंगे और समझ भी सकेंगे।
बस मेरे समझाने का तरीका अलग होगा। से नहीं, होश से काम लिया करो। हाँ, तुम्हारी छोटी सी बेवकूफ की वजह से हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। बेटा, अपनी दादी की बात सुनो, दरवाजा खोलो। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अपनी दादी की बात सुनो बेटा, भगवान के लिए दरवाजा खोलो। मेरे पास कोई आया ना तो मैं मार दूंगी सबको।